आपको मिला था वो मिला। खड़े हैं जो इनके साथ हुआ है, बहुत अन्याय है, बहुत गलत है, हम इनके साथ खड़े हैं, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इनकी कुछ मांगे हैं, सबसे पहले कि 25 लाख का अनुदान मिलना चाहिए हर परिवार को जो हत्या हुई है या कोई घायल हो, 25 लाख का अनुदान मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो मालिकाना हक जो पुश्तों से अपनी जमीन जोत रहे हैं उस पर मालिकाना हक इनको मिलना चाहिए। तीसरी बात ये है कि फास्ट ट्रैक पे इनका मुकदमा चलना चाहिए ताकि ये जो मामले हैं ये सुलझ जाए। चौथी बात कि जिस तरह से इन्होंने मुकदमे जारी किए हैं निर्दोष गांव वालों को, जिस तरह से इनका व्यवहार रहा है उसको बदलें। ये मुकदमे, ये जो केस हैं जो लगाए गए हैं वो विथड्रॉ करें। और पांचवी बात ये कि जिन जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतनी हिम्मत से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए ये गरीब लोग आपके सामने खड़े होकर आप इनसे कुछ भी कहला रहे हैं, ये गांव जाएंगे इनको दोबारा प्रताड़ित किया जाएगा, फिर ना आप होंगे। तो बात ये है कि इनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो दो चार लोग हैं जो लड़ाई एकदम आगे आकर मजबूती से लड़ रहे हैं, जो अपने लोगों के लिए कुछ मांग रहे हैं, ये राजनीति इन्होंने नहीं की है, ये अपना हक, उनका मालिकाना हक है जमीन को, जो जमीन जोत रहे हैं पुश्तों से, अपना हक है उसके लिए लड़ रहे हैं। कल को प्रशासन मदद करेगी इनकी तो इनको कोई कुछ वो नहीं हो, खुश होंगे कि ठीक है प्रशासन मदद करेगा। ये इनको राजनीति में फंसाने की कोई जरूरत नहीं है, इनके इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए और इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि ये अपनी लड़ाई है। तो ये इनकी पांच मांगे हैं, मैं इन मांगों से पूरी तरह से सहमत हूँ, मैं खड़ी हूँ इनके साथ। और मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ, शासन से कहना चाहती हूँ, देखिए जो इनके साथ हुआ अन्याय, चाहे आपके कुछ लोग इस अन्याय में मिले, ये आप जाँच करें। कह रहे हैं कि है, मैं इनकी बातों पर यकीन करती हूँ, अगर ऐसी बात है आप उन पर कार्रवाई करिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इनके साथ जो अन्याय इनकी मंगनी तक जाऊंगी। अब तो मुलाकात आपकी हो गई, अब आपका अगला कदम क्या है? मेरा मकसद पूरा हो गया, अब मैं मिल चुकी हूँ, शासन प्रशासन क्या कहते हैं। अभी तक तो मैं हिरासत में हूँ, आपने देखा मुझे यहाँ से आगे नहीं जाने दी, वेट करते हो जो भी कहते हैं तो देखते हैं। मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं मिलना चाह रही थी, मैं इनकी आवाज़ उठाना चाह रही थी, कहना है कि ये जिम्मेदारी पूरी तरह से उनकी मुख्यमंत्री जी की है और भाजपा की सरकार की है, क्योंकि जनता की सुरक्षा, गरीबों की सुरक्षा, आदिवासियों की, दलितों की, सबकी, जो भी पीड़ित है उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। सरकार प्रशासन उनको बचाने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए नहीं, उनकी समस्याओं को बढ़ाने के लिए शासन प्रशासन नहीं होता। शासन प्रशासन होता है कि जनता की सुविधा हो, जनता की सुरक्षा हो, उनको अपने हक मिले। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी पूरी आपकी है, आप चाहे किसी को जवाहरलाल नेहरू जी को देना चाहें, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। कांग्रेस पार्टी के जरिए 10 लाख का अनुदान हर परिवार में जहां पे एक हत्या हुई है, मृतक परिवार को अनुदान मिलेगा। घायलों के लिए भी हम कुछ अनुदान देंगे, वो भी तय नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू।